हेलो एवरीवन। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, रीयूनियन करने के बारे में क्या सोच रहे हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये मेरा मेन चैनल है टैरो रीडिंग का। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको वहीं पर मिल जाएगा। चलिए, तो अभी आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन रीयूनियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये मजिशियन का कार्ड यहाँ पर है, पॉजिटिवनेस यहाँ पर है। उनके मन में आपको लेकर के काफी पॉजिटिविटी भरी हुई है। वो अपने रिश्ते को लेकर के काफी पॉजिटिव फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीजें जो है ना वो ज्यादा ठीक हो सकती हैं और चीजें बेहतरीन हो सकती हैं। देखो, मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब कि अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है चीजें ना बेहतर हो सकती हैं, चीजें और अच्छी हो सकती हैं, पर चीजें अच्छी हो नहीं पा रही हैं। तो उस पर मतलब ये नहीं, जल्दबाजी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि देखो जल्दबाजी का काम तो गड़बड़ का होता है। ये पर्सन देखो अपने रिश्ते को एक बार फिर से वर्क कराना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ काम नहीं करना चाहते या आपके साथ रीयूनियन नहीं करेंगे। कई लोग कहेंगे भाई मेरे पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक कर रखा है, तो उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि अनब्लॉक करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो सारी चीजें यहाँ पर चल रही है, मन ही मन में काफी सारी चीजें चल रही है। रीयूनियन डेफिनेटली, टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, रीयूनियन तो होकर रहेगा, रीयूनियन के बारे में सोच भी रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देंगे। इन्हें मालूम है कि आपने कितने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, कितना कुछ दिया है इस रिश्ते में, कितना प्यार इस रिश्ते में दिया है। तो ये सब चीज़ें उन्हें मालूम है और उनको ये लगता है कि ये डिवाइनली कनेक्टेड हैं इस रिश्ते के साथ में। डेफिनेटली यहाँ पर आपको प्यार देना चाहते हैं, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, अपना प्यार आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखो ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत जिम्मेदार है अपनी लाइफ में, वो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी हैं कि वो अपना प्यार आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं। बहुत ज्यादा उनके पास इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि वो अपना अपने जो एफर्ट्स हैं उतने प्यार से लगा नहीं पाते। तो डेफिनेटली आपको इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होना ही पड़ेगा, इस व्यक्ति के साथ में आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी ये पर्सन आपके साथ में आगे आएंगे। देखो मुझे तो यहाँ बहुत ही अच्छे कार्ड दिख रहे हैं कि आपसे शादी भी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते पर बैलेंस दिखा रहे हैं और अपना रिश्ता कनेक्ट करना चाहते हैं एक प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर आगे आएंगे तो पूरा एक मजबूत इरादे के साथ वापस आगे आएंगे, और ऐसा मतलब कि आपको लगेगा कि हाँ यार ये पर्सन मेरे साथ में कुछ जेन्युइन रिलेशनशिप चाहते हैं, जेन्युइनिटी चाहते हैं, मतलब यूं ही टाइम पास नहीं करने वाले हैं ये पर्सन। हाँ, अगर आप इनसे क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हो कि भाई तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, ये वो, दुनिया भर के होते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, तो उससे ये बचने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है उनके बारे में ये कुछ पर्टिकुलर आपको आंसर ना दे पाए, इनको लगेगा कि हो सकता है यार ये पर्सन मुझे कुछ तो परेशान कर रहा है, नहीं चाहता है मुझसे रिश्ता बनाना, तो कुछ चीज़ों से बचेंगे, ठीक है। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लगती है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ इनका वर्क हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका काम हो सकता है। और ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक जो है सिक्स ऑफ कप्स का है, तो ये पुराना पर्सन है जो आपके साथ में अपना रिश्ता बेहतरीन करना चाह रहे हैं, ये रिश्ता जो है ना अच्छा करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज दिख रही है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, रीडिंग स्टार्ट होती है 175 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। और आप मेरा ये जो चैनल का नाम ऊपर देख रहे हैं डिवाइन टैरो 777, ये मेरा दूसरा चैनल है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ओके, एंड मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।